इतिहास का सबसे पहला युद्ध कौन सा था? जो लोग जानते हैं महाभारत रामायण के युद्ध के बारे में उनके लिए जवाब आसान है, लेकिन जो मॉडर्न वेस्टर्न इतिहासकार हैं जिनको और सबूत चाहिए, उनके हिसाब से जो युद्ध हुआ था सबसे बड़ा भारत में वो था महाभारत और आज के काल के बिल्कुल बीच में। एक ऐसा युद्ध जो हुआ था 10 राजाओं के बीच में, जहां पर 9 राजा एक तरफ थे और एक अकेला, लेकिन जीत फिर भी उस अकेले की हुई थी। आज इंडिया नाउ एंड हाउ में मैं आपका होस्ट अंकित आपको सुनाऊंगा द बैटल ऑफ 10 किंग्स, यानी 10 राजाओं के उस घमासान युद्ध की कहानी। 1350 BC के आसपास ऋग्वेद के समय में अखंड भारत को जीतने के लिए कई राजा तैयार थे। उनमें से सबसे फेमस थे पुरुवंशी और भारता ट्राइब। भारता ट्राइब सबसे बड़ी थी, लेकिन पुरु और बाकी भी कुछ कम नहीं थे। बाकी राजाओं ने अकेला ना लड़ने को समझदारी समझा और एक दल बनाकर लड़ने को तैयार हो गए। सबको शायद ये लगा कि सबसे बड़े राज्य भारताओं को ही अगर समाप्त कर दिया जाए तो आगे सबके लिए काम आसान हो जाएगा। सबके सब पुरु राज्य से जा मिले और 9 की 9 सेनाएं ऐतिहासिक कुरुक्षेत्र के पास रावी नदी के किनारे में मिली। इन 9 राजाओं को आसानी से युद्ध जीत लेना चाहिए था भारताओं के, लेकिन राजा थे राजा सुदास। युद्ध के दौरान उन्होंने रावी के एक किनारे बनी एक सुरक्षा दीवार को देखा, जिससे उनको एक आइडिया मिला। जब सारे विरोधी भारी मात्रा में उस दीवार के पास लड़ रहे थे तो उन्होंने बड़ी चालाकी से अपने कुछ सिपाहियों को उस दीवार को गिराने के लिए भेजा। विरोधियों को ये नहीं दिखा और दीवार के गिरते ही भगदड़ मच गई। कई विरोधी दीवार टूटने के बाद आए पानी से बह गए, बाकी भगदड़ में मारे गए और पैनिक में कई सिपाही और शहीद हुए। सुदास के भारता एक चमत्कार की तरह इस युद्ध को जीत गए, पर सुदास जीत की खुशी भी नहीं मना पाए थे कि दिल्ली के पास यमुना नदी के किनारे पर सेंट्रल इंडिया, आज के राजस्थान, ईस्टर्न यूपी और बिहार के और कई राजाओं ने उन पर एक साथ हमला कर दिया। उन सबको लगा कि भारत अब कमज़ोर हो चुके होंगे, पर सुदास की सेना का मोराल इतना हाई था कि उन सबको भी उन्होंने हरा दिया। इस युद्ध में करीब 12,000 सैनिक यमुना के तट पर ही मारे गए। सुदास ने युद्ध जीतने के बाद अपने राज्य को आज के पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ राजस्थान, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक फैलाया। उस समय दिल्ली को खांडव प्रस्थ कहा जाता था। सुदास ने जीत के बाद एक अश्वमेध यज्ञ भी रखा सरस्वती रिवर के लेफ्ट और राइट, यानी आज के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और नॉर्दर्न राजस्थान के वो अनडिस्प्यूटेड किंग बन चुके थे। लेकिन पुरुओं ने समय के साथ भारत ट्राइब के साथ दोबारा हाथ मिलाया और एक साथ कई राज्य और परिवारों को चलाया। अलेक्जेंडर को बहुत बड़ी चोट देने वाले राजा पुरुषोत्तम या पोरस भी इसी राज्य से निकले थे। उन्होंने भी पंजाब और आसपास के इलाकों में ही अपने राज्य को चलाया था। आज की कहानी की तरह हम अगली बार भी आपको एक बहुत दिलचस्प कहानी सुनाएंगे, एक ऐसी लड़की की जिनके नाम पे आज देश और दुनिया में कई सारे ब्रांड्स बने हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।